अस्सलामुअलैकुम, देसी कुकिंग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ड्राई फ्रूट ट्रफल चॉकलेट, जिसके लिए हमने बादाम और अखरोट ले लिए हैं और एक चॉकलेट ली है। ये बाज़ार से बेकरी से मिलती है, वैसे आम दुकानों से नहीं मिलती, और ये घर का कंडेंस मिल्क। सबसे पहले पैन के नीचे हमने आग जला दी है ड्राई फ्रूट्स दोनों को। हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि जो इनकी नमी है वो ख़त्म हो जाए और इनमें थोड़ा सा खस्तापन कुरकुरापन सा आ जाए। इससे ये बहुत ही मज़े के हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं आपने करना, जलाना नहीं है, बस ऐसे कि आपको लगे कि अब ये खस्ता हो गया, जब आप तोड़े तो क्रचपन क्रंच जाए, टूटने की आवाज़ आए। अब इसी में रहने देंगे और चूल्हा हम बंद कर देंगे और जो अपनी चॉकलेट है उसको हम छोटे छोटे पीसों में इस तरह कर लेंगे ताकि हमें तोड़ने में आसानी होगी। ये सख्त होती है थोड़ी सी, हमने बड़ी मुश्किल से की है। आप इस तरह से इसको तोड़ फोड़ लें। अब इसको इसमें हम डाल देंगे। कंटेंट्स मिल्क ऊपर डाल देंगे और थोड़ी देर छोड़ देंगे। हाथों की मदद से आप जो अखरोट है उसको ज़्यादा बारीक ना करें, बस इस तरह से दो दो तीन तीन पीस कर लें ताकि जब आप खाएं तो आपके मुंह में आए, आपको पता चले आप कोई चीज़ खा रहे हैं। और जो बादाम है उसके आप इस तरह से, ये देखा थोड़े से खस्ता किए ना, बड़ी जल्दी हो रहे हैं इस तरह से काट लें बादाम को। थोड़ा सा खस्तापन आ गया। पैन के नीचे हमने आग जला लिया और इसको हिलाते रहे हम साथ साथ। अब इसको हम साथ ही पैन में डाल देंगे। और इसको मुसलसल हिलाते जाना है ताकि जो चॉकलेट है आपकी, देखें मेल्ट होना शुरू हो गई है, जले ना। ये देखें मेल्ट होना शुरू हो गया, बल्कि हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया और अब इसने पकना शुरू कर दिया है। इसको अब जो खिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि जो चॉकलेट है आपकी वो नीचे जले ना, क्योंकि चॉकलेट जल जाती है। तेजी से हाथ हिलाएं, साथ में जो इस तरह से हम लम्स हैं उनको इस तरह से करते जाएं ताकि जल्दी जल्दी से आपका होता जाए। इसे 5-10 मिनट हो चुके हैं हमें पकाते हुए, ये देखें। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब ये देखें जैसे जैसे हमारा चॉकलेट ठंडी होती जा रही है, वैसे वैसे वह सख्त होती जा रही है। अब इसमें हम अपना ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट में आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी डाल सकते हैं, जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जो आपके बच्चे आप खुश होकर खाते हैं,
अब इसको हम मोल्ड में डाल देंगे। हमने देखें ये वाला लिया है गोल, आप किसी भी शेप का ले सकते हैं, हमें करनी तो इसकी कटिंग ही है। जो थोड़े से नट्स बचे हैं वो आप इसके ऊपर डाल दें। उसके बाद आप इस तरह से हाथ की मदद से या छुरी पर इसको थोड़ा सा ना अंदर दबा दें, जो कि आप नट्स हैं वो अंदर चले जाएं। ज़्यादा भी अंदर नहीं करने के नज़र ना आए। देखें अब इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए हमने इसको 1 घंटा फ्रिज में रखा है। अब इसको हम निकालेंगे प्लेट में। इसको अपनी मर्ज़ी से आप कट्स लगा लें जैसे आपको अच्छे लगते हैं, जितने चौड़े या जितने बड़े। हम ज़्यादा बड़े नहीं लगा रहे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे नए नए वाले तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। चॉकलेट ट्राइफल हमारी बनकर नट्स वाली तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की बनी है। वैसे हमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम टेस्ट करके आपको बताते हैं। बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसको बना के फ्रिज में रख दें, क्योंकि आपको पता चॉकलेट थोड़ी जल्दी मेल्ट हो जाती है, इसलिए फ्रिज में रख दें। आपको दूसरे दिन नज़र नहीं आएगी कि रखी थी या नहीं रखी थी, इतनी मज़े की बनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।